हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि ग्वालियर में इस्टेब्लिश्ड है। मध्य प्रदेश का एक इंस्टीट्यूट है जिसे गवर्नमेंट एलाइड है। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसे नैक ने A++ का ग्रेड दिया हुआ है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप तक टाइम पर पहुँचता रहे। तो इन्होंने इनवाइट किया हुआ है रेगुलर पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है वो परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है, रेगुलर पोस्ट है, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो पे स्केल रखा गया है वो 10 लेवल का रखा गया है। 57,700 रुपये से 182,400 रुपये यहाँ पर आप लोगों की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर AICTE के माध्यम से जो पे स्केल रखा गया है वो 13A का रखा गया है। 131,400 रुपये से 217,100 रुपये तक यहाँ पर आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है उसमें अगर आप आर्किटेक्चर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल टोटल 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। 2 सीटें ST डिपार्टमेंट में हैं, 1 सीटें SC डिपार्टमेंट से निकल कर आई हुई है और 1 सीट जो है वो जनरल डिपार्टमेंट से निकल कर आई हुई है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, क्योंकि जो इस वैकेंसी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सिर्फ एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, वो भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जनरल कैटेगरीज में। तो हम एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात न करके अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ही देखते हैं। यहाँ पर अगर आप फिजिक्स से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। एक पोस्ट जो है वो ST कैटेगरीज में है और एक पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में मांगे गए हैं। केमिस्ट्री से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। एक पोस्ट जो है वो SC कैटेगरीज में है और एक पोस्ट OBC कैटेगरीज में। मैथमेटिक्स से फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। ST में 1, SC में 1 और जनरल कैटेगरीज में 1 पोस्ट रखे गए हैं। ह्यूमनिटीज़ में भी यहाँ पर 1 पोस्ट रखे गए हैं जनरल कैटेगरीज में। तो कुल टोटल 12 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। 5 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पर जो अप्लीकेशन करने की वेबसाइट है वो है www.mitsgwalior.in, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप होने का जो टाइमिंग स्टार्ट हुआ था वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था और इसका लास्ट डेट 25 नवंबर 2023 का डेट रखा गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आप लोगों को पहले रिटन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट पास होंगे और जिन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों का प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए उसमें आ हैं, तो यहाँ हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ह्यूमनिटीज़ से फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको नेट या फिर CSIR से आप लोगों को UGC या CSIR से आप लोगों को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट होना ज़रूरी है, सेट या फिर स्लेट कम से होना ज़रूरी है, या फिर कम से कम आपके पास PhD की डिग्री होनी ज़रूरी है, तो ही फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप वहाँ से मैच कर लें जिस कैटेगरीज़ में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने के लिए अप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं उसमें 2,500 रुपये जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं और 1,500 रुपये SC ST कैटेगरीज़ के लिए रखे गए हैं। SC ST कैटेगरीज सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के होने चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से बिलोंग करते हैं और आपने SC ST कैटेगरीज में फॉर्म फिलअप किया है तो आपको जनरल में फ़ीस पे करना होगा।
तो गाइस इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।